स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन जॉब हेल्प में। मैं स्टार्ट करा रहा हूँ फिजिक्स आपको, ये फिर से स्टार्टिंग है अपनी। जो बच्चे नेवी एयरफोर्स में रह गए हैं अभी तक, अभी नया नई वैकेंसी निकली है अभी, तो उनके लिए तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो फिजिक्स का पार्ट जो है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप में जो आता है फिजिक्स, वो थोड़ी हार्ड आती है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम पहले, फिर आपको इंग्लिश और सबकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में, हमेशा से देखा जाएगा कि एक या दो डायमेंशन जरूर आती है फिजिक्स के अंदर। तो मैं आपको पहले डायमेंशंस कैसे निकलते हैं, उनके फॉर्मूले और कैसे ड्राइव करनी है वो बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो देखिएगा फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स एक फिलोसफी है, नेचर नेचर की साइंस के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो इसमें ना दो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फिजिकल और डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो कि किसी के फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, या अदर किसी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, वो एक फिजिकल है, वो उस मैटर की फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रही, वो चेंज भी नहीं हो रही किसी से। तो हम देखते हैं सिंपल क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। और यार ये चैप्टर जो है ना, ये सबके लिए इक्वल है, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। तो ये हिंदी मीडियम हो चाहे, आराम से समझ सकता है इन चीजों को, तो बहुत सिंपल चीजें हैं ये, और ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पढ़नी पढ़नी है। जैसे कि दो जो है जो डिपेंड नहीं होती किसी पे, जैसे कि बॉडी की जो है ना, वो नेचुरल नेचुरल उसकी मैटर की नेचुरल क्वांटिटी होती है, जैसे कि मास, बॉडी का मास हो गया, लेंथ हो गया, मास हो लेंथ हो गया, उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी यानी वेग। तो ये उसकी नेचुरल चीजें हैं, वो कभी चेंज नहीं होती किसी भी चेंज करने के लिए। और ये ना पता है, जो एक्स ग्रुप का पेपर आता है उसमें आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली दो या तीन क्वेश्चन जरूर आते हैं वो लॉजिक के बेस पे। तो आपको ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उन चीजों का, और मेरा मेथड भी यही कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जाए। तो और फिर है डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेंड होती हैं, वो होती हैं डिराइव क्वांटिटीज। जो कि फिजिकल क्वांटिटी हैं उनसे ऑब्टेंड होती हैं, जैसे कि मोमेंटम हो गया अपना। मोमेंटम क्या है, एमवी। तो वो जो है मास से उसकी वेलोसिटी, तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेंड हो रही है, तो इसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। जो कि फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी है, नेचुरल बॉडी की जो मैटर की जो क्वांटिटी है उससे डिराइव होती है, तो उनको कहते हैं हम डिराइव क्वांटिटी। जैसे मोमेंटम हो गया आपका, ये जो है ये सारी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशंस क्या होती हैं, आप इनको साथ के साथ नोट करते जाइए, ताकि आपको ना जब आप तैयारी कर रहे हो तो उस समय आप इनको ढंग से नोट को क्लियर करके जाएं। और जाते वक्त आप फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट देती है भैया एक्स ग्रुप में। अब आपको बताता हूँ डायमेंशंस क्या होती है, हमारे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड डायमेंशंस। जो भी बच्चा दे के भी आया होगा वो देख रहा होगा कि एक या दो डायमेंशन, या उनकी ऐसे पूछेंगे सिमिलर डायमेंशन क्या होती है, उनके फॉर्मूले सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इनमें आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना, और आपको बता देता हूँ कैसी डिराइव होती है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होती है, जो हमारी डिराइव क्वांटिटीज होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, तो पावर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मास है, तो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशंस में, एम की पावर 0।
इसको हम क्या कहते हैं डायमेंशंस, क्योंकि जो फिजिक जो ड्राइव क्वांटिटीज है उनको हम जब चेंज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में तो हम उनको पावर के रूप में देखते हैं, तो इनको कहते हैं डायमेंशन। तो कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि पेपर में रिपीटेडली पूछ लेते हैं कभी कभी, और डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो वो आपको मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी फॉर्म निकलेंगे तो ये क्या 1.5 2 महीने मुश्किल से हैं, तो आपको कम से कम टाइम में एफिशिएंट वर्क करना है। तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, वो बता देता हूँ पहले आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है। तीन सिस्टम ऑफ यूनिट हैं जिसमें कि पहली है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसमें हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे इसमें हम सेंटीमीटर, और मास बॉडी का मास मेजर करते हैं इसमें हम ग्राम में, और टाइम टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड्स में। तो ये है पहली सिस्टम ऑफ यूनिट, ये फ्रेंच सिस्टम है। आप इन चीजों को ना नोट करके रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछते हैं कभी कभी। तो ये हमारा पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और हम सेकंड बताता हूँ आपको। ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं मीटर में, और बॉडी का मास मास मेजर होता है इसमें किलोग्राम, और टाइम भी सेकंड में। तो ये एमके सिस्टम है, इसमें फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको भी हम लेंथ भी इसमें मीटर में और मास इसमें किलोग्राम में मेजर किया करते हैं। तो कहीं पे लिखा आ जाए कि एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कैसे बताना है। और थर्ड है अपने पास एफपीएस सिस्टम, ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें हम लेंथ जो मेजर करते हैं वो फुट में करते हैं, और मास पाउंड में होता है इसमें, और जो टाइम है वो हमें सेकंड में ही मेजर करते हैं। ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट देखिए आपने, ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत रोल प्ले करती है फिजिक्स के अंदर। तो आप ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपने पढ़ी भी होगी आज इलेवन ट्वेल्थ में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए ये बेसिक चीजें हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है पेपर में अपने पास वो आता है डायमेंशंस के ऊपर, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डायमेंशंस बता रहा हूँ, आप उनको करके ही करके जाइए क्योंकि वो हमेशा एक्स ग्रुप में पूछते हैं। 2 मार्क्स की डायमेंशंस आती है पेपर में आपके, 25 में से 2 नंबर की डायमेंशन आती है। तो मैं इम्पोर्टेंट डायमेंशंस लिख देता हूँ, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्हीं नोट्स के अंदर से 8 वृत्त सिलेक्ट हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि कम टाइम में एफिशिएंट वर्क जो होता है ना वो करना है अपने को। तो पहले सिस्टम ऑफ पहला डायमेंशन होता है एरिया, एरिया तो यार सबको पता होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L0 L2 T0, ये है अपने डायमेंशन एरिया की। ये तो बेसिक है, ये तो खैर कोई नहीं पूछता कोई भी एग्जाम में। फिर है अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये होता है अपने पास वॉल्यूम।
तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, एम मास जीरो, लेंथ सी, टाइम जीरो। तो ये सिंपल सी यूनिट है और इनको निकालना बहुत ही इजी इजी टास्क है। मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे निकालते हैं इनको। और अपने पास डेंसिटी क्या, मास जीरो, लेंथ सी, टाइम जीरो। तो ये सिंपल सी यूनिट है और इनको निकालना बहुत ही इजी टास्क है। मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे निकालते हैं इनको। और अपने पास डेंसिटी क्या होता है, मैं लिखने लगी नहीं आई मैं टांगों में नीचे तो भी होने लगता थोड़ा उसका ऊपर रखना लेवल और तेरे ब्रैकेट है बस यही लेवल में रखना। तो जैसे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, फॉर्मूला। आपको ना सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है आपको कि इनको रट के जाए, आपको ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको लर्न करने हैं। बहुत सिंपल वे है यार इनको निकालने का। आप डायरेक्ट को एग्जाम में मात्र 30 सेकंड में आप निकाल सकते हैं कि किस डायमेंशन जो निकालनी होती है वो 30 सेकंड में निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अभी ट्रिक है यहाँ, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है, इनको याद कर लेना। बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बच्चे ये रट के जाते हैं, एम जीरो, एल टू, टी जीरो, ऐसे नहीं करना आपको। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए और इनके आस पे निकल जाएगी आपकी डायमेंशन। आप देखिएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला। तो मास मास क्या होता है, एम, मास को एम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम हमारी ये फॉर्मूला निकल गया था अभी। तो एम जीरो, एल थ्री और टी जीरो। अब क्या बन जाएगा डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, सिंपल, एम एम एल की पावर -3, यहां से ऊपर गया माइनस में जाएगी पावर, और टी जीरो। ये क्या है अपनी डेंसिटी के, डेंसिटी फॉर्मूला। आप इनको नोट्स करते जाइए भाई। वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किसी बॉडी क्या होती है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, एल से, और टाइम क्या है अपने पास, टी। तो इसकी डाइमेंशंस क्या बन जाएगी, एल टी -1। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, लेंथ को क्या फॉर्मूला, एक्सीलरेशन क्या होता है किसी बॉडी की, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या अपने पास किसी बॉडी की, चेंज वेलोसिटी एल टी -1 अभी निकाली हमने, एल टी -1। और टाइम क्या है, टी। अब क्या करना है, टी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी एल टी -2। तो ये बहुत सिंपल है यार ये चीजें। लेंथ को किसी में मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर पर सेकंड्स की है, सिंपल, बहुत सिंपल है ये चीजें। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। एक्सीलरेशन के बाद है आपके पास 6 डायमेंशन होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होती है फोर्स, क्या बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। दो हजार 16 के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स ग्रुप के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2016 के, जिसने भी पेपर दिया हो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और आप सोचोगे यार ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है भाई एक्स ग्रुप का। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्या हो गया, एम, एक्सीलरेशन अभी क्या निकाला हमने, एल टी -2, एल टी -2, तो क्या हो गया, एम एल टी -2। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन, न्यूटन। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप,
ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो फोर्स की यूनिट को। तो ये आप बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है उससे कि तीन चीजें ग्रैंड हो जाए। आप डायमेंशन निकाल सकते हो उसकी, उसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो आपको बस एक फॉर्मूला लर्न करना है और बाकी सारी चीजें अपने आप निकल के आ रही है। तो ये ट्रिक्स है, आपको इन ट्रिक्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वहां पे। फिर आपके पास आती है मोमेंटम। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? एम वी मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या हुआ, मास का क्या हो गया एम, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन इसकी डायमेंशन होगी लीनियर मोमेंटम की। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट यहां से निकाल लीजिए आप आराम से, ग्राम मीटर पर सेकंड। आप इनको खुद से करके ट्राई करिएगा। आप एक बार मैं जैसे मैथ सॉल्व करते हैं ना वैसे इनको खुद से ट्राई करेगा, आपको आराम से आसानी से समझ में आएगा कि क्या कैसे क्या हो रहा है। बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। और कि आपको बस इससे आप डायमेंशन निकाल रहे हो और यूनिट निकाल रहे हो, बहुत सिंपल सी वे है यार ये। फिर क्या होता है मोमेंटम के बाद क्या आता है अपने पास? वर्क। वर्क वर्क एनर्जी। वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट होती है। ऐसे पूछता है कई बार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो दो दे रखी होती है आपको, क्या होता है डायमेंशन दे रखी होती है। ये पूछता है कि किस 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 की सिमिलर डायमेंशन है, किस किस की सिमिलर डायमेंशन, जैसे वर्क और एनर्जी की सिमिलर डायमेंशन होती है इसके अंदर। तो ये आपको डायरेक्ट पूछता है कि जैसे कि MLT माइनस टू दे देगा, ये किस 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 की डायमेंशन है, ये वो ऑप्शन में डाल देगा ये फोर्स की है, मोमेंटम की है, एक्सीलरेशन की है, किसके। तो ये आपको उसमें ऑप्शन में डाल देगा और पूछेगा किसकी सिमिलर डायमेंशन है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिन बच्चों ने एनडीए एग्जाम दे रखा होता है उनको सब पता होता है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं ये। वर्क एनर्जी, वर्क क्या होता है अपने पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है अपने पास। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप? एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट एल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एल, यहां से दिख नहीं रहा होगा मैं आपको ऊपर लिख के बता देता हूँ। यहां से वर्क का क्या हुआ? फोर्स एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। तो क्या डायमेंशन निकल गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सिंपल है। और वर्क वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल में। सिंपल है। वर्क और एनर्जी किस में मेजर होता है? जूल में। तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है भाई। ये क्वेश्चन 2016 की नेवी डबल ए में आया हुआ था, 2016 के नेवी डबल ए में आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वर्क और एनर्जी की क्या क्या डायमेंशन होती है, दोनों सिमिलर पूछा था इन्होंने। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आती है पावर की। पावर क्या होता है अपने पास? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की अभी निकाली हमने क्या होती है? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। और टाइम क्या होता है? टी। सिंपल। तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ये किसकी होगी? ये होगी पावर की, अभी पावर की यूनिट होगी। और पावर को किसमें मेजर करते हैं? सिंपल, वोट में। इसको किसमें मेजर करते हैं? वोट में। और डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो आप ग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड क्यूब। ये भी पूछ लेता है ऑप्शन में, ये होता है कभी कभी, कभी कभी वोट होता है। तो
डायरेक्ट आप किसी से भी निकाल सकते हो, आपको बस एक फॉर्मूला लर्न करना है और तीनों चीजें निकल के आ जाते हैं आपके पास। फिर आती है अपने पास प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला लर्न करना है। प्रेशर होता है फोर्स उसके अप्लाई किया गया एरिया पे, जो फोर्स अप्लाई किया है वो होता है प्रेशर। तो फोर्स, फोर्स क्या होता है अपने पास? एम एल टी माइनस वन माइनस टू। और एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। सिंपल। तो यहां से क्या हो जाएगा? एम एम एल माइनस वन, क्योंकि टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, और यहाँ पे वन है तो वन माइनस टू माइनस वन। सिंपल है। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये किसकी हो गई? प्रेशर की यूनिट हो गई। प्रेशर, प्रेशर किसमें मेजर करते हैं हम? सिंपल सिंपल यहाँ से यूनिट निकल आएगी। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये यूनिट निकल गई प्रेशर की। आपको मैं टोटल 30 डायमेंशन कराऊंगा, उसमें गारंटी दे रहा हूं कि दो नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। चाहे आपको वो फॉर्मूला पूछ लेगा, डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर वो क्या करेगा कि वो यूनिट पूछ लेगा कि उसकी डायमेंशन की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है। ऐसे डायरेक्ट दो क्वेश्चन पक्के आते हैं आपके नेवी और डबल ए, नेवी और एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं मेनली। ये प्रेशर हो गया। और एक बात तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि एंगल की क्या होती है डायमेंशन। एंगल की तो डायमेंशन ही नहीं होती, तो आप ये बात फिर भी नोट कर लीजिएगा। एंगल या सॉलिड एंगल, नो डायमेंशन। ये डायमेंशन, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। और फिर एक बार क्वेश्चन, एक्सेलरेशन क्या होती है? एंगल एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी हमने, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ गया? टाइम। तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, ये है, ये 2015 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, नेवी के पेपर में आया था। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? फिर हमारे पास सरफेस टेंशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या होता है इसके अंदर? वो सिंपल है, एम एल टी माइनस टू, और लेंथ क्या होती है? एल। तो एम एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? एम टी माइनस टू। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। सिंपल। तो सरफेस टेंशन की क्या डायमेंशन है अपने पास? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब 16 नंबर पे जो आती है अपने पास होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी कई बार पूछ लेता है कि एंगुलर मोमेंटम की क्या डायमेंशन होती है। तो आप ये तीनों जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टो का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमने फोर्स के, फोर्स का डायमेंशन देखी थी, क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से? एल। तो क्या हो जाएगी इसकी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक चीज देखिए आप यहाँ पे कि वर्क, वर्क की भी यही होती है और टॉर्क की भी यही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो डायरेक्ट कि ये डायमेंशन दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन किस किस की सेम डायमेंशन है यहाँ पे। और यहाँ से आप आराम से निकाल लोगे, यूनिट तो निकाल लोगे यार, इतना बता दिया आपको। फिर 17 डायमेंशन है अपनी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको लीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी। तो यहां से फोर्स, फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस टू।
रेडियस क्या हो जाएगा, इसको मीटर में मेजर करते हैं हम एल, और वेलोसिटी क्या जाएगी यहाँ से एल टी माइनस वन। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल एम देखिएगा एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, ये एल ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा एल माइनस वन और टी माइनस वन, ये अपना क्या होगा विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट। अगली डायमेंशन क्या है अपनी 18, 18 डायमेंशन है अपनी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, मास मास एल स्क्वायर टी जीरो, ये किसके हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो आगे भी चैप्टर में इसमें आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक आप यहां पे देख लीजिएगा इसका। अगली जो डायमेंशन है वो है अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको क्यूसे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इनटू टाइम। आप इन सबको साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि आपको नोट सुनाने में आसानी हो। तो करंट करंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, यहाँ पे एम एम जीरो एल जीरो टाइम टी, करंट को किसे कहते हैं, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट यहाँ पे कूलाम होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चार्ज की यूनिट कूलाम होगी। फिर अगली डायमेंशन है इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होगा, यहां पे फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स का अपने को पता है क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और चार्ज क्या हो जाएगा यहां पे एटी एटी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस इनवर्स। ये किसकी यूनिट होगी, अपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। अगली जो डायमेंशन है अपने पास वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला का आपको ना सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है यहां से, बाकी सारी चीजें तो अपने आप निकल के आ रही है, बहुत इजी वे है यहां से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अपने पास वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की हमने डायमेंशन देखी थी क्या होती है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे ए टी। इसकी डायमेंशन क्या निकल गया है यहां से, एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री और ए इनवर्स, ये किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और अगली डायमेंशन किसकी है अपने पास, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है मेरे पास, क्यू बाई वी, मतलब चार्ज चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी यहां से क्या हो जाएगी, चार्ज क्या है अपने पास ए टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या निकला है अपने पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स। मैं इसको रफ कर देता हूँ।
यहां से इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, ए एम यूनिवर्स एल माइनस टू टी फोर, और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी फेराड। ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाले, यूनिट क्या होगी इसके अंदर, फेराड। अब जो अगली अगली डायमेंशन है अपने पास 23, वो है मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायमेंशन किसकी है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में करंट इनटू इसकी लेंथ, ठीक है। ये जो अभी मैग्नेटिक फील्ड देखा आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज के जितने भी डायमेंशन हैं, ये सारे इंपोर्टेंट डायमेंशन है, आप इनको एक बार पक्का लर्न करके जाइएगा। एक नंबर की यहाँ से बनती है, और एक नंबर की जो आपने पीछे कराई है मैंने, वहां से डायमेंशन पक्की आती है। फोर्स का क्या होता है, ये तो लर्न ही हो जाता होगा यार, इतने बार लिख चुके हैं फोर्स का, एम एल टी माइनस टू। करंट क्या होता है अपना, ए लेंथ क्या है एल, यहां से क्या निकल जाएगा एम, एल सी एल कैंसिल हो गया, टी माइनस टू ए माइनस इनवर्स। बहुत सिंपल सिंपल सी यूनिट है इनकी। अगला आता है अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी देखा एम टी माइनस टू ए इनवर्स, और इसके साथ एरिया क्या होता है एल स्क्वेयर। तो यहां से क्या आ गया, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू ए माइनस वन, ये किसकी हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स थी। यहां से अगले डायमेंशन है अपने पास इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन में करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या निकल गया अपने पास, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ये जो डायमेंशन निकल के आ रही है, इनको आपको रटना नहीं है, इनको आपको निकालना है, सोल्व करना है, इसको डिराइव करना है यहाँ से, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और बहुत ईजी वे है यार, इनको याद करना है, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना। ए तो यहां से क्या हुआ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू, ये किसकी आ गई, इंडक्टेंस। अगली डायमेंशन देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने पास, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ के यहां पे फोर्स अपॉन में चार्ज। आप देख रहे होंगे इनमें काफी फॉर्मूले सिमिलर है, पर काफी सब मोस्टली इनमें सिमिलर डायमेंशन आ रहे हैं। यही यही पंगा है यहाँ पे, यही पूछता है बड़ा क्वेश्चन में कि इनकी सिमिलर डायमेंशन क्या होती है। एम एल टी माइनस टू चार्ज क्या है,
शायद हमने अभी पीछे निकाला था क्यू इक्वल टू आई टी से, तो क्या आया था ए टी। यहाँ पे चार्जर क्या हो जाएगा, ए टी सिंपल एम एल टी, टी ऊपर जाएगा क्या होगा -3, टी -3 और एक इनवर्स, ये किसकी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसकी यूनिट यहां से क्या आ जाएगी, 450 मतलब न्यूटन पर कूलाम। ये यूनिट साथ के साथ याद करेगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। एक डायमेंशन पीछे वाले में छूट गई थी वो बता देता हूं आपको, पोटेंशियल एनर्जी। बाकी एनर्जी की तो सेम होती है, एम एल टू टी एम एस टू। पोटेंशियल एनर्जी के बाद फॉर्मूला देख लेते हैं अपन क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, डायरेक्ट दिखाई दे रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये किसकी हुई पोटेंशियल एनर्जी की। लास्ट डायमेंशन अपने पास कौन सी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट करंट इनटू लेंथ। करंट क्या होता है अपने पास ए, और लेंथ क्या होती है एल। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, बिल्कुल सिंपल सी यूनिट है, बिल्कुल सिंपल सा डायमेंशन निकला इसका। तो ये थी अपने सारे डायमेंशंस, मैंने 28 डायमेंशंस कराई है आपको, आप इनको अच्छे से करिएगा। और इनमें से आप देखेंगे कि एक्स ग्रुप और नेवी ए डबल ए और एस एस आर में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन पक्के पूछता है, या तो यूनिट पूछ लेता है या डायमेंशन पूछता है या डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था 2016 के अंदर क्या आया था, डायरेक्ट आया था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, तो सिंपल था बस, डायरेक्ट पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन है, तभी तो टाइम के हिसाब से वो मैनेज करते हैं यार अपना सब कुछ। तो आप एक बार डायमेंशन पक्का देखेगा, और बहुत ईजी वे में बताइए मैंने कि आपको कैसे ड्राइव करना है, बस फॉर्मूला रन करना है, यूं नहीं कि आप इनको रटने बैठ रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे। आपको हमें को कम टाइम में एफिशिएंट वर्क करना है, इसलिए आप इनको सिर्फ फॉर्मूले देखिएगा और बहुत आसानी से निकल जाएंगे सब कुछ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको वैसे लर्न हो जाएगा ये सब कुछ। तो बहुत है ये पहला चैप्टर अपना डायमेंशन, ये बेसिक है फिजिक्स का। तो धन्यवाद देखने के लिए, और आगे की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा आपके लिए। थैंक्स।